जम्मू कश्मीर में आज बड़ी पाबंदी हटने वाली है। सरकार ने पोस्टपेड मोबाइल सेवा को लागू करने का फैसला किया है। उधर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लगातार दो दिनों से पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर का उल्लंघन किया है और इस फायरिंग में हमारे सेना के दो जवान शहीद हो गए हैं। करीब 70 दिनों बाद कश्मीर में आज मोबाइल फोन की घंटियां बजनी शुरू होगी। दोपहर 12 बजे 40 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन एक्टिव हो जाएंगे। राज्य सरकार ने दो दिन पहले पोस्टपेड सेवाओं पर पाबंदी हटाने का फैसला लिया था। ऑल पोस्टपेड मोबाइल फोन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर विल स्टैंड रिस्टोर्ड एंड बी फंक्शनल फ्रॉम 12 नून On Monday, the 14th of October 2019. सरकार ने फिलहाल पोस्टपेड मोबाइल पर कॉलिंग की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। लोगों को मोबाइल इंटरनेट के लिए अभी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रीपेड सेवा पर भी फैसला बाद में होगा। हालांकि पाबंदियों में जकड़े लोगों ने सरकार के फैसले से राहत की सांस ली है। कश्मीर में जो अभी हालात चल रहे हैं इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स जो है, बिजनेस जो है, जो ऑनलाइन बिजनेस भी करते थे उनको भी कम से कम अच्छा फायदा मिलेगा। जो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी पिछले दो महीने से, फ्रॉम लास्ट 4 अगस्त से बंद हुआ कम्युनिकेशन, यहाँ पे बंद हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, बट अब अच्छा स्टेप इन्होंने लिया है कि रेस्टोर करने का। फायदा तो थोड़ा बहुत मिलेगा, जो भी बाहर रहते हैं, जो स्कूल बच्चे पढ़ते रहते हैं उनको थोड़ा फायदा मिलेगा। विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट इंटरनेट कुछ भी काम नहीं निकलते हैं। एक तरफ जहां सरकार धीरे धीरे कश्मीर में हालात सामान्य करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा। कश्मीर के लोगों का अमन चैन वाला रास्ता उसे बेचैन किए जा रहा है। यही वजह है कि LOC पर उसकी तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। कलूरी और कठुआ में फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसकी हर साजिश LOC के उस पार ढकेल दी गई है। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।